कल मुरली चल रही थी 14 अक्टूबर 1966 का प्रातः क्लास और पहले पेज के मध्यांत में बात चल रही थी, जब विकारी बनते हैं तो वाम मार्ग की दुनिया रावण की स्थापन होती है। क्या बनते हैं? हैं वीर माने विपरीत, कारी माने कार्य करने वाले। भगवान ने जो जो कार्य सिखाए थे गीता ज्ञान दे करके, कर्म अकर्म विकर्म की गति जो सिखाई थी, उस गति के विपरीत जब कार्य करना शुरू कर दिए, माने श्रीमत के खिलाफ कार्य करना शुरू कर दिए, तब से विकारी रावण की दुनिया शुरू होती है। रावण की दुनिया क्यों कहा? राम की दुनिया खलास होती है और रावण की दुनिया शुरू होती है। रावण की दुनिया इसलिए कहा कि रावण के अनेक सिर होते हैं, अनेक सिरों से अनेक प्रकार की मतें देता है, और राम को एक सिर दिखाया जाता है, माने वो एक मत का राज्य स्थापन करता है। एक से सदगति और अनेकों से दुर्गति। तो रावण से जो अनेकों के द्वारा जो दुनिया स्थापन होती है अनेक मतों से, उसे वैश्यालय कहा जाता है। वैश्या के घर में एक की तो मत चलती नहीं है, वैश्या के घर में तो अनेक पुरुषों की मतें चलती हैं, तो वैश्यालय कहा जाता है। कलयुग है वैश्यालय और उसके मुकाबले सतयुग है शिवालय। कलयुग को वैश्यालय क्यों कहा? कलयुग नाम पड़ता ही है कल है कलेश का युग। कल है कलेश, मारा मारी झगड़ा फसाद होते ही वहां है जहां वैश्यावृत्ति बढ़ती है, और सतयुग में तो वैश्यावृत्ति होती नहीं, नाम निशान भी नहीं, तो वहां किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा मारा मारी का सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी हम जा रहे हैं शिवालय में। तुम संगम के ब्राह्मणों को ये मालूम है अभी हम न शिवालय में हैं और न वैश्यालय में, क्योंकि शिव बाबा का आलय, शिव बाबा का बनाया हुआ घर तो अभी बना नहीं है। राम मंदिर बन गया क्या? कि लड़ाई चल रही है, लड़ाई चल रही है ना, तो अभी न राम मंदिर बना है न शिवालय बना है। जो शिवालय है वही राम मंदिर है, तो उनका घर अभी बना नहीं है। माना राम के घर में भी रावण ने डाका डाल दिया है, राम की सीता को रावण ने हरण कर लिया है। तो तुम जानते हो ना हम अभी शिवालय में है ना वैश्यालय में, अभी हम जा रहे हैं कहाँ? शिवालय में जा रहे हैं। वैश्यालय को छोड़ दिया है, जैसे कोई नदी क्रॉस करते हैं ना, तो कहते हैं ये किनारा छोड़ दिया, अब हम अगले किनारे में जा रहे हैं, न इस किनारे में है ना उस किनारे में, माने मझधार में है। अभी वैश्यालय विकारी संबंधियों से हमारा ममत्व निकल गया। क्या ममता मोह किससे जुड़ा हुआ था अभी तक? विकारी दुनिया के जो भी संबंधी हैं उनके साथ अभी देह और देह के संबंध जुटे हुए थे, लेकिन अभी ज्ञान लेते लेते प्रैक्टिस करते करते अभी उन विकारी दुनिया वालों से हमारा बुद्धि का योग टूट चुका है। हमारा भविष्य के संबंध में मत तू, क्योंकि अभी हम राजयोगी हैं और वो उस दुनिया के मनुष्य सब भोगी हैं। भोग विलास होते हैं शरीर से, और हम अभी बाबा की याद में रह करके आंतरिक मनसा का सुख ले रहे हैं,
हमारी मनसा पावन होती जा रही है, तो उन भोगियों से हमारा क्या कनेक्शन है? हमारा कनेक्शन है तोड़ निभाने के लिए। जो भी घर के गृहस्थ के संबंधी हैं, अगर विकारी भी हैं, तो उनसे तोड़ निभाने के लिए हम उनका साथ देते हैं, शायद आगे चल के ज्ञान में निकल आए। तो अपने घर में है, फिर भी ब्राह्मणों से बहुत मोहम्मद रहता है, क्योंकि ब्राह्मणों की इतनी ऊंची सेवा और कोई नहीं करते हैं। क्या होता है, देह और देह के संबंधियों से तो ममत्व निकल जाता है, देह के संबंधियों से ममत्व निकल जाता है, लेकिन फिर क्या होता है, ब्राह्मणों की दुनिया में जिनको हम ज्यादा सेवाधारी देखते हैं, ज्यादा शिष्ट पुरुषार्थी देखते हैं, तो ब्राह्मणों की दुनिया में ममत्व लगने लग पड़ता है। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि पुरानी दुनिया के लोग तो अभी नीची स्टेज में जाने वाले हैं, क्योंकि पुरुषार्थी नहीं करते, परमात्मा को पहचानते नहीं, और जो ब्राह्मणों की दुनिया में है उनके लिए हम जानते हैं ये ऊंच पद पाने वाले हैं, ऊंची स्टेज में जाने वाले हैं, तो उनसे हम हमारा महत्व लग जाते हैं, माने लोहे की जंजीरें छोड़ देते हैं, उसे छोड़ने में कोई देर ज्यादा नहीं लगती, लेकिन जो सोने की जंजीरें हैं उनमें बंध जाते हैं, क्योंकि जानते हैं ब्राह्मणों जितनी उच्च सेवा तो कोई दुनिया में करता नहीं है। रूहानी सेवा करने से बाप ही निमित्त बनाते हैं, देखो बाप ने आकर के ज्ञान दिया तो बाप ही आकर के रूहानी सेवा का निमित्त बनाता है, वो बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। कौन? जो ईश्वरीय सेवा के हमको निमित्त बनाता है वो हमारा बाप भी है, एक ही व्यक्तित्व है, एक ही पर्सनालिटी है, जो हमारा बाप है, व्याख्या देने वाला टीचर भी है और सदगति करने वाला सदगुरु भी है। बाकी कोई देहधारी धर्मगुरु या कोई भी दीदी दादी दादा हमारा बाप टीचर सदगुरु नहीं है। क्यों? ब्रह्मा बाबा नहीं है? ब्रह्मा के तन में शिव बाबा नहीं आता क्या? नहीं आता? आता नहीं था? आता था ना, तो ब्रह्मा के तन में आता था, तो ब्रह्मा के तन के द्वारा बाप टीचर सदगुरु नहीं? टीचर इसलिए नहीं कि ब्रह्मा के मुख से जो कुछ सुनाया गया उन वाणियों का क्लैरिफिकेशन हमको नहीं मिला, पूरी व्याख्या नहीं मिली। सदगुरु इसलिए नहीं कि अभी तक भी हमारी बुद्धि मनन चिंतन मंथन में नहीं चली, कब तक? जब तक ये वाणी चल रही है। ब्रह्मा का शरीर छोड़ने के बाद भी 4-6 साल तक अवस्था नीचे गिरती रही और कली भी शूटिंग होती रही, फिर बाद में जाकर के जब से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया तब से कहीं नम्रवार पुरुषार्थ अनुसार ब्राह्मणों की बुद्धि में मनन चिंतन मंथन की गति उत्पन्न हुई, मन सदगति को पाने लगा। जो मन बुद्धि दुर्गति में जा रही थी, देह और देह के संबंधों में जा रही थी, वो मनन चिंतन मंथन की दुनिया में जाने से देह और देह के संबंधों से मुक्त होने लगी, तो मन बुद्धि की सदगति शुरू हुई। उससे पहले मन बुद्धि दुर्गति में थी। एडवांस में आने से क्या होता है, बेसिक में उतनी बुद्धि नहीं चलती थी, सुनाने वाले ने सुना दिया, सुनने वाले ने सुन लिया, बाकी बुद्धि कुछ भी नहीं चलती। जब से हम एडवांस में आए तो एडवांस तो दुनिया का सबसे ज्यादा एडवांस तो बाप ही है, बाप के कनेक्शन में आने से हम भी एडवांस हो गए। हमारी वाचा से निकलने वाली जो वाणी है वो भी एडवांस, मनसा के संकल्प है वो भी एडवांस, और जो हम कर्म करते हैं बाप की याद में वो कर्म ही हमारे एडवांस होते हैं, हम आगे बढ़ने की अनुभूति करते हैं।
तो बाप का भी अनुभव होता है कि बाप से हमें उस विकारी दुनिया से मुक्ति मिल रही है। हम अनुभव अंदर अनुभव करते हैं कि विकार हमारे छूटते हैं। तो बाप बाप भी है, बाबा ब्रह्मा के मुख से निकाली हुई वाणी को समझाने वाला टीचर भी है। गीता तो गीत है ना, जैसे कोई कविता होती है, पोएट्री होती है, प्रोज होती है, तो टीचर प्रोज और पोएट्री का एक्सप्लेनेशन करता है, एक एक वाक्य की हिज्जे हिज्जे करके व्याख्या समझाता है। ऐसे ही हमारी पोएट्री है ब्रह्मा माता के मुख से निकाली हुई ज्ञान की गीत की लोरी। जैसे माँ होती है बच्चों को लोरी सुनाती जाती है, बच्चे माँ की गोद में आनंद करते हैं, प्रसन्न रहते हैं, लेकिन सिर्फ सुनते हैं। लोरी का गहरे में अर्थ क्या है वो नहीं जानते। अब यहाँ एडवांस में हम आकर के गीता ज्ञान का गहराई में अर्थ समझते हैं। इसलिए क्या बोला, संख्या छठ और उसके आसपास की मुरलियों में ये बात बता दी कि अभी गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे, ज्ञान अमृत इसलिए नहीं कहेंगे कि अमृत जो है सार को कहा जाता है और सार निकलता तब है जब मंथन किया जाता है। दूध है दही है उसका जब तक मंथन न करें तब तक उसमें से सार घी अथवा मक्खन नहीं निकलता। तो ऐसे ही जो गीता ज्ञान है, जो गीत ब्रह्मा मां के मुख से शिव ने गाया है, उस गीत का अर्थ जब तक हमारी बुद्धि में न बैठे गहराई से तब तक वो मंथन नहीं हुआ। एडवांस में आने के बाद हमारी बुद्धि चलने लग पड़ती है, एक एक वाक्य की गहराई में जाती है तो मंथन होता है। शास्त्रों में सागर मंथन की कथा भी आई है कि सागर मंथन हुआ तो उसमें से रतन निकले, अमृत कलश भी निकला। तो अमृत कलश जो निकल रहा है वो अब निकल रहा है, हम अमृत रस का पान कर रहे हैं, गीता ज्ञान अमृत की उपलब्धि अब हमको हो रही है। तो वो हमारा टीचर भी है, सदगुरु भी है और बाप भी है। सत्य बाबा है, सत्य टीचर है, सत्य गुरु है। क्या उससे ज्यादा सच्ची व्याख्या देने वाला कोई टीचर दुनिया में हो नहीं सकता। उससे जाती बुद्धि की, वाचा की और तन की सदगति करने वाला कोई दुनिया में हो नहीं सकता। वो डॉक्टर होते हैं वो तो थोड़े समय के लिए प्लास्टिक सर्जरी कर देते हैं, एक जन्म भी नहीं टिकती, दो चार साल टिकती है, फिर उसके बाद प्लास्टिक सर्जरी कराओ। ये बाप तो ऐसा आकर के इसी जन्म में प्लास्टिक सर्जरी नहीं करता है, ओरिजिनल सर्जरी करता है, पांच तत्वों को ही परिवर्तन कराए देते हैं। याद की स्टेज में पांच तत्व भी परिवर्तन हो जाते हैं, तुम्हारी शरीर रूपी नैया और आत्मा का दोनों का खिवैया बाप आया हुआ है। आत्मा को भी पार ले जाता है विषय वैतरणी नदी से क्रॉस कराई देता है और शरीर रूपी नैया भी विषय वैतरणी से पार चली जाती है। उन द्वारा हमको वर्षा मिल रहा है क्या, अब ये विकारों से मुक्ति का वर्षा हमें उन द्वारा मिल रहा है। किन द्वारा, इन द्वारा नहीं, माने ब्रह्मा द्वारा नहीं मिल रहा है। संख्या छठ में मुरली चली तो कहा उन द्वारा मिल रहा है, उन कहकर के कहाँ इशारा किया, नहीं भविष्य, भविष्य बाद में आएगा। उन द्वारा मिल रहा है किसका मतलब यह कोई व्यक्ति हो चुका है, ये भी कि आज में कोई व्यक्ति हो चुका है जो बाप के रूप में था, बीजारोपण ज्ञान का जिसके द्वारा किया गया था वही बाप, उसी बाप के द्वारा हमको अभी वर्षा मिल रहा है। ये याद रहने से कितनी हर वक्त खुशी रहनी चाहिए क्या, कि हमें बाप से वर्षा मिल रहा है। फिर औरों को भी समझाने के लिए पुरुषार्थ किया जाता है,
ये बात समझाई जाती है कि अभी तक माँ के द्वारा कार्य चला, अभी बाप आया हुआ है बाप की सदगुरु के रूप में, हमको भी खुशी हो रही है तो आपको भी ये खुशी होगी। पहले पहले तो वो है पारलौकिक बाप, क्या जिसके द्वारा गति सदगति मिलती है, वर्षा मिलता है। पहली बात उसके बारे में ये समझानी है, वो इस लोक का बाप नहीं है, बड़े इस लोक के मनुष्य सृष्टि के पिता में आता है। जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, प्रजापिता, उसमें आता है, लेकिन दाता जो है उसमें कोई दूसरा है। वो कौन है? सुप्रीम सोल शिव, वो बाप बन के आता है, पारलौकिक बाप है, इस लोक का बाप नहीं है। वो सत्य शिक्षक है, सत्य गुरु है, सत्य चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। क्या सत्य चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिर्फ इतना नहीं देते हैं? सत्युग के साथ द्वापर कलयुग संगमयुग, सत्युग के साथ द्वापर कलयुग संगमयुग, इतना ज्ञान नहीं देते। वो ज्ञान का सागर है, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें ज्ञान की उठती हैं। उन चार युगों में कितना विस्तार बताते हैं, सागर का तो बहुत विस्तार है। तो वो ज्ञान सागर कहा जाता है। पहले पहले तो उनकी महिमा करनी है, उनकी इनकी महिमा नहीं करनी है, उनकी महिमा करनी है जो ज्ञान सागर है, जो लिमिटेड ज्ञान नहीं सुनाता है, पुस्तकों में बांधा हुआ ज्ञान नहीं सुनाता है। वो कौन सा ज्ञान सुनाता है? जो अनलिमिटेड ज्ञान है, उसकी सीमा नहीं है। सत्य बाप है, सत्य टीचर है, सदगुरु एक ही सत्य धर्म की स्थापना करते हैं, मानते हैं ना, एक राज्य हो, वो फिर सत्युग नहीं होता है। सारी दुनिया में राज्य सिर्फ सत्युग में होगा, एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, एक मत, एक कुल, ये और कोई युग में होता नहीं, स्थापन ही नहीं होता। यहाँ तो सब एक हो नहीं सकते, कहाँ ये 500-700 करोड़ की दुनिया में सब मिलकर के एक हो जाए, एक धर्म के हो जाए, एक राज्य के हो जाए, एक भाषा वाले हो जाए, ये संभव बात नहीं है। क्यों क्यों नहीं है संभव? क्योंकि यहाँ रावण राज्य है, अनेक मतों पर चलाने वाले गुरु लोग बैठे हुए हैं, इसलिए बाप आते हैं तो इन गुरुओं का भी उद्धार करते हैं, जाओ ऊपर ऊपर हरण करके ले जाते हैं। तो मनमत चला करके सारी सृष्टि को नीचे गिराते हो, और नीचे गिराते आए, अब तुम जाओ ऊपर बैठो 2500 साल तक। अब इस दुनिया में 2500 साल तक सिर्फ एक मत चलेगी, एक का राज्य चलेगा। मनुष्य कहते हैं बंटवारा हो जाए, दुनिया एक हो जाए, एकता हो जाए। अरे वर्ल्ड तो एक है, सिर्फ इस एक वर्ल्ड में एक राज्य होना है। 14:10-14:66 की वाणी का दूसरा दिन, तो एक राज्य हो सकता है, लेकिन शर्त क्या है? 500-700 करोड़ की दुनिया में जब तक ये सारी पॉपुलेशन मौजूद है, तब तक एक धर्म एक राज्य नहीं हो सकता, माने इन सबको वापस जाना पड़े। देवताओं का जब राज्य था तो और कोई राज्य नहीं था, तो और दूसरे दूसरे धर्म और दूसरे दूसरे राज्य और दूसरे दूसरे धर्मखंड, ये सब खलास हो जाने वाले, पहले भी नहीं थे। अमेरिका 500 साल पहले नाम निशान नहीं था मनुष्य की बुद्धि में, ऑस्ट्रेलिया का 300 साल पहले मनुष्य की बुद्धि में नाम निशान नहीं था, तो ये बाद में आए ना धर्मखंड। पहले तो सिर्फ भारत खंड ही था। भारत में भगवान आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि भारत में
पवित्रता को विशेष महत्व दिया है। अब व्यभिचार मेरा तो एक दूसरा न कोई, तो देवताओं को जब राज्य था तो कोई और राज्य नहीं था, कोई हंगामा की बात नहीं थी। वेद का बाप ही आकर के राजधानी स्थापन करते हैं क्या, और कोई भी धर्म पिताएं आकर के अपने राज्य की राजधानी स्थापन नहीं करते। न इब्राहिम आकर के राजधानी स्थापन करते हैं, वो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। बुद्ध है, क्राइस्ट है, गुरु नानक, तो कोई भी हो, कोई भी आकर के राजधानी और राजा ही स्थापन नहीं करते हैं। मैं हूं जो आकर के तुम बच्चों के लिए राजधानी भी स्थापन करता हूं और तुम्हारा एक राज्य अटल छत्र राज्य स्थापन करता हूं। ये भी अब तुम समझ गए हो कि बाप ही राजयोग सिखाते हैं क्या, तुम समझ गए हो क्या? जो बाप तुम किससे कहा जाता है, वो हम किससे कहा जाता है, सामने वाले से तुम कहा जाता है। माना जो बाप प्रैक्टिकल में आकर के टीचर के रूप में आता है, सदगुरु के रूप में आता है, बाप के रूप में आता है, उस बाप के सन्मुख जो बच्चे बैठते हैं वो समझते हैं क्या कि बाप ही राजयोग सिखाते हैं और कोई मनुष्य मात्र राजयोग नहीं सिखा सकता। वो भोग सिखाएंगे, क्यों मनुष्य भोग क्यों सिखाएंगे मनुष्य गुरु? इसलिए सिखाएंगे कि इस दुनिया में सभी मनुष्य आत्माएं भोगी है, भोगी होती है और रोगी भी बनती है। एक भी मनुष्य आत्मा नहीं है ऐसी जो भोगी और रोगी न बनती। अच्छा, शिव बाबा जिसमें आते हैं वो भोगी रोगी नहीं बनता क्या है? वो भी तो बनता है, बनता है, लेकिन उसमें शिव आते हैं मुकर्रर रूप से, उसकी गारंटी शिव बाबा लेते हैं। इससे कोई भी दुष्कर्म ऊंचा नीचा कर्म हो जाता है तो उसकी गारंटी मेरी है, तुम मेरी मत पर चलो क्या, मेरी मत पर चलो। कैसे पता चले कि शिव बाप की मत है या प्रजापिता की मत है, पता कैसे चलेगा? अरे आत्माएं तो दोनों ही कार्य कर रही है, बल्कि तीसरी आत्मा ब्रह्मा की ओर है, वो भी ज्ञान चंद्रमा के रूप में प्रवेश है, तो कैसे पता चले किसकी मत है? बाबा ने कहा तुम ऐसे ही समझो कि जो भी इसके मुख से मत निकलती है वो मेरी ही मत है। तुम इस लक्षण में मत पढ़ो कि ये इसकी मत है या उसकी मत है या ज्ञान चंद्रमा की मत है। एक व्यक्तित्व है, एक व्यक्तित्व के द्वारा जो भी तुमको डायरेक्ट मत मिले तुम उसके ऊपर चल पड़ो। हिम्मत से चलेंगे तो बाप की मदद मिलती रहेगी और जो उल्टा हुआ है अगर तो वो भी सीधा हो जाएगा। अभी तुम समझ गए हो कि राजयोग श्रीकृष्ण नहीं सिखाते हैं क्या? जिस योग में राज भरा हुआ है वो राजयोग श्री कृष्ण नहीं सिखाते हैं। कौन सिखाता है? शिव बाप सिखाते हैं, और मनुष्य सृष्टि के बाप में आकर के सिखाते हैं। बाप के द्वारा राजयोग सिखाया जाता है, माँ के द्वारा राजयोग नहीं सिखाया जाता। उन्होंने कृष्ण के लिए समझ लिया, उन्होंने माने किन्होंने? बीके वालों, बीके वालों ने क्या समझ लिया? गीता का भगवान साकार में कौन वो समझते हैं कृष्ण उर्फ दादा लेखराज। हमारी बुद्धि में बैठा है कि कृष्ण उर्फ दादा लेखराज वो राजयोग सिखाने वाला नहीं है। राजयोग सिखाने वाला तो शिव शंकर भोलेनाथ एक ही है, और जितने भी मनुष्य मात्र है वो सब नीचे गिराने वाले हैं। राजयोग सिखाया ही तब जब राजधानी स्थापन करते थे,
क्या कहा? ब्रह्मा के द्वारा कहने की राज्य को सिखाया, तो क्या राजधानी स्थापन हुई? नहीं, अभी होनी है। राजधानी स्थिरियम हो जाएगी। अभी राजधानी कौन सी है? राजधानी का नाम क्या है? दिल्ली। दिल्ली राजधानी अभी हिलडुल रही है या स्थिरियम हो गई? हिलडुल रही। कभी किसी के हाथ में राज सत्ता चली जाती है, कभी कांग्रेस के हाथ में, कभी प्रजातंत्र के हाथ में, क्या नाम, जनता पार्टी के हाथ में, कभी मिलीजुली राजधानी बन जाती है, अनेकों के हाथ में चली जाती है। लेकिन अब राजधानी स्थिरियम हो जाएगी, वो तो जड़ दिल्ली के लिए समझ लेते हैं, जड़ दिल्ली राजधानी के लिए समझ लेते हैं। लेकिन वास्तव में हम जानते हैं कि हमारी राजधानी, हमारी धारणा शक्ति असल में तो चैतन्य है। क्या? अगर चैतन्य स्थिरियम हो जाएगी तो स्थूल राजधानी भी चैतन्य के आधार पर स्थिरियम हो जाएगी। पहले आत्मा सुधरती है, ये पहले पांच तत्व सुधरते हैं। सुधरने की पहले गुंजाइश किसकी है? जो चैतन्य होगा वो पहले सुधरेगा। चैतन्य में बुद्धि होती है, मन होता है। मन बुद्धि की जिसमें प्रधानता है वो ज्ञान को समझ सकता है। जो ज्ञान को समझ सकता है वो परिवर्तन हो सकता है। पहले पांच तत्वों के संघात से बनी हुई कोई नगरी वो तो जड़ नगरी है। उसके लिए दिखाते हैं कि अंग्रेजों ने नई दिल्ली स्थापन की, लेकिन पत्थरों की बनाई, लाल पत्थरों से सारी नई दिल्ली तैयार हुई पड़ी। बाप कहते हैं पत्थर की दिल्ली की बात नहीं है, मैं जब आता हूं तो पत्थर बुद्धि कोई आत्मा है जो नजदीक रहने पर भी परमात्मा के स्वरूप को नहीं पहचान पाती, नहीं जान पाती कि गीता का भगवान कौन है। ये बात बुद्धि में नहीं बैठती, इसलिए मुरली में बाबा को बोलना पड़ा। क्या बोलना पड़ा? कि मेरे नजदीक रहने वाले बच्चे भी मेरे को नहीं पहचान पाते। क्या? मेरे नजदीक रहने वाले बच्चे भी मेरे को नहीं पहचान पाते। क्या मतलब? नजदीक फिर काहे के? अरे नजदीक ज्यादा प्राप्ति करेगा या दूर वाला प्राप्ति करेगा? नजदीक वाला ज्यादा प्राप्ति करेगा। फिर नजदीक वाले बच्चे मेरे को नहीं पहचान पाते, इसका क्या मतलब हुआ? अरे शरीर से नजदीक होना अलग बात है और मन बुद्धि से नजदीक होना अलग बात है। कोई शरीर से नजदीक हो, सरेंडर हो गया हो, कंधे पे चढ़ के बैठा हो, बाबा के घर में खाना पीना सोना करता हो और बुद्धि बाहर रखी हुई हो, घर परिवार में बुद्धि रखी हुई हो, अपने लौकिक स्थान में बुद्धि रखी हुई हो, तो नजदीक कहा जाएगा या दूर कहा जाएगा? तुम बच्चे मधुवनवासी हो। बाबा कहते हैं तुम बच्चे मधुवनवासी हो। उसका एक्सप्लेनेशन क्या देते हैं? कि जो मधुबन में बैठे हुए हैं वही मधुबनवासी हैं? नहीं, भले घरग्रस्त में रहते हैं लेकिन घरग्रस्त में रहते हुए भी, बांधेली माताएं होते हुए भी, घरग्रस्त का काम करते हुए भी अगर उनकी मन बुद्धि मधुबन में रखी रहती है तो कहां की वासी है? मधुबनवासी है। अंत समय में क्या होगा? अंत मते तो वही गति हो जाएगी जो सारा लंबा टाइम उन्होंने पुरुषार्थ किया है। लंबे समय तक उनकी मन बुद्धि बाहर रखी गई तो अंत समय में कहां पहुंच जाएंगे? जब विनाश होगा मधुबन में पहुंच जाएंगे। और जो अभी मधुबन में बैठे हुए हैं और उनकी मन बुद्धि बाहर की दुनिया की प्रॉपर्टी में लग रही है,
ये मेहरबानियां अटारियां मेरी हो जाए, मेरे नाम से हो जाए, ये मेहरबानियां अटारियां हो, ये मेरी प्रॉपर्टी बन जाए, इतने बड़े बड़े मकान ये मेरे हो जाए, दुनिया की धन संपत्ति सारी हमारी हो जाए, सारा सोना चांदी सारा सब के ऊपर हमारा कब्जा हो जाए, मनुष्यों के ऊपर हमारा कब्जा हो जाए, सारी जनशक्ति हमारे हमको फॉलो करे, तो दुनिया में बुद्धि तो बाहर भटकेगी ना। अर्जुन जैसे पांडव ने भगवान से क्या मांगा और दुर्योधन जैसे कौरव ने भगवान से क्या मांगा, क्या मांगा? दुर्योधन ने मांगा आपकी सारी धन संपत्ति सेना वगैरह सब हमको दे दो। और अर्जुन ने क्या मांगा? हमें कुछ नहीं चाहिए, हे भगवान मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा मुझे सिर्फ आप ही चाहिए। तो ये अंतर पड़ जाता है। क्या अंतर पड़ जाते हैं? कौन पत्थर बुद्धि है और कौन पारस बुद्धि है? दुर्योधन को क्या कहेंगे? पारस बुद्धि, पत्थर बुद्धि कहेंगे। अरे भगवान से क्या नहीं प्राप्त हो सकता है? भगवान जब आकर के विश्व की बात सही दे सकता है तो भगवान से कौन सी चीज प्राप्त रह जाती है? एक है साधे सब सद है और सब साधे सब जाए, वैश्या सबको साधती है, ये भी खुश हो जाए, वो भी खुश हो जाए, वो भी खुश हो जाए, वो भी खुश हो जाए, और जो सधवा औरत होती है क्या करती है? एक की साधना करती है। तो जो एक को साधती है उसमें पावर रहती है, ताकत रहती है। तो ऐसे ही हमारी आत्मा, अगर हम आत्मा बने हैं, ज्योति बिंदु आत्म की स्थिति में स्थित हुए हैं, तो हमारी बुद्धि में बैठेगा कि एक बाप से ही सारी प्राप्ति हो सकती है, दूसरों से कोई प्राप्ति होने वाली नहीं है। वो कितने भी बड़े बड़े आदमी हो, महान आत्मा पुण्यात्मा हो, कितने भी बड़े पुरुषार्थी हो, ब्राह्मणों की दुनिया के कितने बड़े बड़े महारथी हो, लेकिन उनके पीछे पड़ने से हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए मुझे बोल दिया क्राइस्ट या ब्रह्मा की पूजा से कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या फिर बाबा डोरापा भी देते हैं? कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद, शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं। क्या ब्राह्मणों की दुनिया में कोई ने मम्मा का आधार ले लिया, कोई ने ब्रह्मा बाबा का आधार ले लिया, लेकिन ब्रह्मा बाबा के अंदर जो बोलने वाली शक्ति है उसको नहीं पहचाना, उसके महावाक्यों को नहीं पकड़ा, क्योंकि जो मुरली है वही हमारी लाठी है। हम किसका आधार ले? मुरली का आधार ले। शिव ज्योति बिंदु निराकार, उसका साकार स्वरूप क्या चीज हमारे हाथ में आई? मुरली। मुरली से प्यार माना, मुरली से प्यार। तो बताया राजधानी जो चैतन्य दिल्ली है वो क्रिश्चियंस ने स्थापन की, नई दिल्ली बनाई। वो तो उन क्रिश्चियंस ने बनाई जो क्राइस्ट को फॉलो करते हैं। क्राइस्ट और कृष्ण की राशि मिलाई जाती है। यहां कृष्ण की सोल माना दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल अभी कोई माता में प्रवेश करती है। वो माता उस जगत पिता के नजदीक ही रहने वाली, लेकिन जगत पिता के स्वरूप को पहचान नहीं पाती। गीता का भगवान अभी भी उसकी बुद्धि में कृष्ण ये बैठा हुआ है। बाबा कहते जब तक ये बुद्धि में नहीं बैठा कि गीता का भगवान निराकार शिवशंकर भोलेनाथ है, तब तक कुछ भी सुधार होने वाला नहीं है। तो ये बात बुद्धि में नहीं बैठती है माना पत्थर बुद्धि, ये बात बुद्धि में बैठ जाए माना पारस बुद्धि।
जो और धर्म की आत्माएं हैं उनकी बुद्धि में जल्दी नहीं बैठेगा। जो डायरेक्ट ज्ञान सूर्य के बच्चे होंगे उनकी बुद्धि में जल्दी बैठेगा। क्या? कि गीता का भगवान वास्तव में कौन है, वो भी के क्या कहेंगे? गीता का भगवान, गीता का भगवान दादा लेख रहा है, कृष्ण की सोल वो ही साकार में गीता का भगवान थी, उनके द्वारा ही गीता का ज्ञान सुनाया गया, वो ये कहेंगे। वो किसी हालत में मानने वाले नहीं है। क्या? कि दादा लेखराज उर्फ कृष्ण के बगैर कोई दूसरी आत्मा भी गीता का भगवान हो सकती है। दुनिया को पढ़ाई पढ़ाते हैं, पुस्तकें छपा छपा के, क्या कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, गीता का भगवान शिव है। अरे गीता का भगवान शिव आकर के ज्ञान सुनाएगा तो मुख से सुनाएगा या ऊपर से आवाज आएगी? मुख से सुनाएगा। तो मुख से आकर के गीता का ज्ञान सुनाएगा गीता का भगवान, तो तुम तो दादा लेखराज को मानते हो कि उनके मुख से सुनाया, और कोई के मुख से भगवान ज्ञान सुनाता ही नहीं और सुनाएगा भी नहीं, यही तो मानते हैं। तो जब सुनाएगा भी नहीं और किसी ने सुनाया भी नहीं, तो दादा लेखराज को तुम कृष्ण की सोल मानते हो, तो गीता का भगवान कौन हुआ? कृष्ण ही, दादा लेखराज ही हो गया ना। तो एक तरफ कहते हो गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, और दूसरी तरफ साबित भी करते जा रहे हो गीता का भगवान साकार में कृष्ण दादा लेखराज ही, तो दो बातें हो गई ना। ये दोनों ही बात करना तो ठीक नहीं है, दुनिया नहीं समझेगी। कोई आदमी ये बताए एक व्यक्ति को, ये अभी चोर है, फिर अभी कहने ये साहूकार है, नहीं 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 ये पुलिस है, तो आदमी समझ नहीं सकेगा ना, आखिर बात क्या है, सच्चाई क्या है। तो दो दो बातें हो जाती है, लोगों की समझ में नहीं आता, आज भी लोगों की बुद्धि में नहीं बैठा है कि गीता का भगवान शिव है और कृष्ण नहीं है। अब हम बच्चे समझाए सकते हैं, क्या क्या समझा सकते हैं? कि गीता का भगवान तो निराकार शिव है, वो जिसमें आकर बाप टीचर सतगुरु का पार्ट बजाता है, वो निराकारी स्टेज वाला शंकर की मूर्ति है, त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। उनमें जो सबसे ऊंची मूर्ति सबसे ऊंचे तबके में बैठने वाली है, वो शंकर का नाम ही शिव के साथ मिलाया जाता है। शिव विष्णु शिव ब्रह्मा नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है? शिव शंकर कहा जाता है। क्यों कहा जाता? क्योंकि शंकर के तन में आकर के शिव ने उस बच्चे को आप समान निराकारी स्टेज वाला बना लिया। जैसे शिव है निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, वैसे जिसमें प्रवेश करता है, जिसके द्वारा सारी तो पाप की दुनिया का संहार करता है, वो स्वरूप भी निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बन जाता है। इसलिए कहते हैं कि शंकर की कभी मृत्यु नहीं होती। अब ऐसा तो नहीं है कि इस दुनिया के सारे शरीर जो है वो मरण को जन्म को प्राप्त होते हैं, और एक शरीर ऐसा है जो कभी जन्म मरण को प्राप्त होता ही नहीं। कोई ऐसा शरीर हो सकता है? ऐसा कोई शरीरधारी नहीं हो सकता जो कभी 5000 वर्ष तक जन्म मरण को धारण न करे। हाँ, इसलिए बताया गया कि शिव जिसमें मुखर रूप से प्रवेश करता है तो उसमें इतनी पावर याद की समा जाती है, संग का रंग इतना लग जाता है, जिसके कारण वो आत्मा को कोई मृत्यु होते हुए इन आंखों से देख नहीं पाता। सबकी मृत्यु हुए देखेंगे, लेकिन उस एक आत्मा को मृत्यु होते हुए कोई देख नहीं सकता। जब देखता नहीं है तो उनकी बुद्धि में बैठता नहीं है कि ये मरा कि नहीं मरा। इसलिए कह देते हैं कि वो शंकर अमरनाथ अमर है। माने देवताएं जो है उनका जो पिता है वो अमरनाथ है। वास्तव में उसका अर्थ ये है कि और जो मनुष्य आत्माएं हैं, दूसरे दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों की दुनिया में
उनको अनिश्चय आ जाता है। अनिश्चय आना मानो मृत्यु हो जाना। और एक ग्रुप ऐसा है जो कभी भी अनिश्चय को प्राप्त करके समाप्त नहीं होगा, मन इतना गहरा अनिश्चय पैदा नहीं होगा कि वो शरीर ही छोड़ दे। हाफिल कबूतर है आजकल दुनिया में बड़े बड़े लोगों के हार्ट फेल होते जा रहे हैं, आगे चल के ये बात और बढ़ेगी। क्यों होते हैं? क्योंकि आदमी अपने दिल के अंदर अपने मन के अंदर बड़े बड़े मंसूबे बनाता रहता है और अचानक उसके सारे मंसूबों पर पानी फिर जाए तो उसका हार्ट फेल हो जाता है, जैसे ब्रह्मा बाबा का हुआ। सन 68 तक उनकी बुद्धि में यही बैठा रहा कि मैं अब कृष्ण बनने वाला हूँ, नई दुनिया आने वाली है, राम राज्य आने वाला है। और अंत समय में जब उन्होंने देखा कि मेरे ही बच्चे मेरे साथ दगाबाजी कर गए, सारी ब्राह्मणों की सत्ता उन्होंने अपनी मुट्ठी में ले ली, वर्ल्ड लेवल ट्रस्ट बनाई लिया और मेरा नाम उसमें नहीं रखा। मैं जिन बच्चों को ज्यादा अच्छा और श्रेष्ठ और सच्चा मानता हूं उनमें से किसी का नाम नहीं रखा गया, मुझे भी निकाल दिया गया। तो बाबा को सहन नहीं हुआ और हार्ट फेल हो गया। ये बात शास्त्रों में भी तो आती है। कृष्ण जिन्होंने इतना बड़ा महाभारत युद्ध कराया, गीता का ज्ञान दिया, इतना श्रेष्ठ ज्ञान दिया, कहते अंत समय में उनको एक बहेलिए ने तीर मारा पांव में और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। पांव माने क्या होता है? पांव माने गुदी रूपी पांव, जैसे ये तो पांव स्थूल पांव से चलकर कहीं पहुंचा जाता है, वैसे ही कहते हैं ना, अरे तुम्हारे पांव जो है हमारे गुरु जी तक नहीं पहुंचेंगे, माने तुम्हारी बुद्धि रूपी पांव जो है हमारे गुरु जी की बुद्धि तक नहीं पहुंच सकते। तो बुद्धि की जैसे पहुंच होती है वैसे पांव की पहुंच होती है। पांव से मिसाल दिया जाता है, हाथ का भी मिसाल दिया जाता है। हाथ से जैसे कोई चीज पकड़ी जाती है ऐसे बुद्ध रूपी हाथ से भी कोई बात कैच की जाती है। तो वो पांव का मिसाल जो दिया है शास्त्रों में वो बुद्ध रूपी पांव के लिए दिया गया है। उनकी बुद्ध रूपी पांव में किसी बहेलिए ने धोखेबाज ने, बहेलिया कैसा होता है, कोई जानवर को मारेगा तो बता के मारेगा मैं तेरे को मारने आ रहा हूं, धोखे से मारता है ना, छुप जाता है और जैसे ही जानवर निकला और तीर मार दिया। जैसे राम ने बाली को क्या किया था, धोखे से बाण मार और बाली मर गया। तो बाली ने भगवान को भी बोल दिया, तुम कैसे भगवान है, तुमने हमको धोखे से मारा। तो ऐसे ही धोखाधड़ी करके जो काम करते हैं वो बहेलिया कहे जाते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई बहेलिया निकला जिसने ब्रह्मा बाबा के प्राण पखेरु खींच लिए। अब ब्रह्मा बाबा जो धोखा खा रहे वो भगवान का स्वरूप नहीं हो सकता है सर। धोखा खाने के बावजूद भी अगर जीवित बने रहे, निश्चय दृढ़ बना रहे, निश्चय उखड़े नहीं, तो शरीर छोड़ने की बात नहीं होती। शरीर तब छोड़े जब काम पूरा हो जाए, उसको कहेंगे निश्चय बुद्धि। तो दूसरे दूसरे धर्म की जो भी आत्माएं हैं, चाहे वो चंद्र वंश की हो, चाहे इस्लाम वंश की हो, चाहे बौद्ध वंश की हो, चाहे संन्यास धर्म या मुस्लिम धर्म की हो, वो सब अनिश्चय बुद्धि होती है। अनिश्चय बुद्धि होना माना मृत्यु को पा जाना और निश्चय बुद्धि होना माना जीवित रहना।
ब्रह्मा जिन्होंने शरीर छोड़ दिया वो अपने शरीर से तो काम नहीं कर सके पूरा, तो कोई में प्रवेश करते हैं, प्रजापिता में प्रवेश करते हैं तो शंकर के रूप में गायन होता है, अर्णचंद्र के रूप में, और जगत माता में प्रवेश करते हैं तो जगदम्बा के रूप में गायन होता है। जगदम्बा माने सारे जगत की माँ, ब्रह्मा माने बड़ी से बड़ी माँ, जिससे कोई बड़ी माँ होती है तो जगदम्बा ही सबसे बड़ी से बड़ी माँ। ब्रह्मा है दाढ़ी मूछ वाला, इसलिए संसार में उनका पूजन नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि पुरुष जितने वो है, जितने भी है सृष्टि पर, वो कलयुग के अंत में सारे पुरुष दुर्योधन दुशासन का रूप बन जाते हैं, स्त्री जाति के साथ जोर जबरदस्ती करते हैं, दुर्योधन और दुष्ट शासन करने वाले दुशासन। इसलिए पुरुषों के द्वारा नई दुनिया की स्थापना का कार्य नहीं कराता हूं। किसको निमित्त बनाता हूं? माताओं को निमित्त बनाता हूं, शिव शक्तियां जो कही जाती, तो वो जो शिव शक्तियां हैं तभी शिव शक्तियां बन सकती हैं जब उनकी बुद्धि में ये बात बैठे कि गीता का भगवान वास्तव में इस सृष्टि पर कौन है। जब तक ये बात उनकी बुद्धि में नहीं बैठेगा तब तक न उनका अपना उद्धार हो सकता है न वो सृष्टि का उद्धार कर सकती है। तो मैं आकर के राजधानी स्थापन करता हूं, चाहे वो चैतन्य राजधानी हो और चाहे वो स्थूल राजधानी। पहले चैतन्य राजधानी स्थिरियम बने, निश्चय अनिश्चय के डोले में जो डोलती है वो पहले स्थिर बन जाए। सबसे ज्यादा जन्म मरण का चक्र कौन सी आत्मा का होता है? ब्रह्मा का। और ब्रह्मा की डोली जगदम्बा में प्रवेश करती। अभी भी इतनी अव्यक्तवाणियां चल रही है, इतना ज्ञान क्लियर हो गया, बीज रूप आत्मा एडवांस पार्टी का जो हेड है उसमें ब्रह्मा की सोन प्रवेश भी कर रही है, संघ का रंग भी ले रही है, सारा एडवांस ज्ञान समझ भी रही है प्रवेश करके, फिर भी वहां ब्रह्म कुमारियों में क्यों चले जाते हैं? है? कारण क्या है? मोह है तो मोह का कारण क्या हुआ? इतना मोह क्यों बंधा हुआ है? क्योंकि अभी तक भी स्वयं ब्रह्मा की बुद्धि में ये नहीं बैठ रहा है कि गीता का भगवान कौन। वही वाइब्रेशन वहां ब्रह्मा कुमारी में फैलता है। क्या वाइब्रेशन? कि अगर भगवान है तो वो अपनी मुरली क्यों नहीं चलाता? हमने जो मुरली चलाई, हमारे बाबा ने जो मुरली चलाई, वो ही मुरली क्यों पड़ता है? अरे टेक्स्ट बुक पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है या टीचर होता है? टेक्स्ट बुक पढ़ने वाला कौन होता है और टेक्स्ट बुक समझाने वाला कौन होता है? टेक्स्ट बुक में जो कुछ पढ़ा जाता है वो स्टूडेंट पढ़ता है और टीचर जो है उसकी व्याख्या करता है, एक्सप्लेनेशन करता है। तो शिव ज्योति बिंदु वो आत्मा है एक्सप्लेन करने वाली, उसको हाथ में किताब पकड़ने की दरकार नहीं है। और कृष्ण की सोल है मुरली को पढ़ने वाली, जो किताब कागज को लेकर के अक्षरों को देख करके पढ़ती है वो कौन सी आत्मा? कृष्ण की सोल। तो मुरली में आता है कृष्ण की पढ़ाई, कृष्ण की सोल भी अभी पढ़ाई पढ़ रही है, उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, वो मुख्य बच्चा है। शक्ति का पहला पत्ता कौन है? कृष्ण। वो ही जब तक मिट्टी में मिला हुआ है और वो उद्धार होकर के पत्ते के रूप में बाहर नहीं आता तो किसी का भी उद्धार नहीं हो सकता। पहले कृष्ण की सोल का परिवर्तन, तब दुनिया का परिवर्तन होगा। बाप बच्चे के बगैर प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। बाप बच्चे को आगे बढ़ता है प्रत्यक्ष काम है, और बच्चों का क्या काम है? बाप को आगे। सन सोज फादर, फादर सोज सन, ये नियम है। तो भले बाप का प्रत्यक्षता वर्ष बच्चों ने सन 76 में मनाए लिया,
लेकिन वो बाप स्वयं अपने को प्रत्यक्ष नहीं होने देता क्योंकि वो साधारण तन में आता है, इसलिए प्रत्यक्ष नहीं होता, गुप्त रूप में कार्य करता है। हमारा बाप भी गुप्त, बाप के बच्चे भी गुप्त, उनका दान मान पद पुरुषार्थ सब कुछ गुप्त। तो वो बाप आया हुआ है, अभी राजधानी स्थापन कर रहा है, जो चैतन्य राजधानी है वो भी धीरे धीरे स्त्रियां होने वाली है, नैया डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, ये गारंटी है। तो बोला राजयोग सिखाया ही तब जब राजधानी स्थापन करते थे, बाकी शास्त्रों में तो महिमा लिख दी है, सिर्फ महिमा करने से कोई राजयोग सीखते हैं क्या? गीता सुनाते हैं वो कोई राजयोग सिखाते हैं क्या? नहीं, गीता सुनाते हैं वो तो सिर्फ जो होकर के गए हैं उनकी महिमा करते हैं, भगवान ने जिनको सुनाया उन्होंने ही राज्य पद पाया। क्या कहा? मनुष्य गुरुओं से जो गीता सुनी जाती है उससे कोई राजयोग सीख करके राज पद नहीं पाता, स्वयं भगवान आकर के अपने मुख से आमने सामने बैठ करके बच्चों को जब सुनाता है तो उसे राजयोग बच्चे सीखते हैं और राजा ही पद प्राप्त करते हैं। मन जो मेरे सन्मुख होकर के नहीं सुनते हैं उनको प्राप्ति नहीं होती है। तो इतने बीके पड़े हुए हैं हजारों की तादाद में दुनिया में, वो सन्मुख होकर सुन रहे हैं या दूर बैठे हुए? और दूर बैठे हुए, इसलिए उनको प्राप्ति नहीं हो सकती। मैं जब सन्मुख सुनाता हूँ जिनको, उनको ही प्राप्ति होती है। क्योंकि भक्तिवान में भी दिया, सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघ नाशय तब ही। जब जीवात्मा मेरे सन्मुख आती है, मुख के सामने आती है, तब उसके जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं। और आती कब है वो भी मुरली में बता दिया, आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतर जाने पर तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखोगे। क्या है? क्या बताया? बिंदु को याद करना, बेसिक में सिखाया जाता है ना, मैं आत्मा बिंदु, मेरा बाप बिंदु, ये बेसिक ज्ञान सीखते सीखते जो परिपक्व स्टेज धारण कर लेते हैं, आत्मिक स्टेज वाले बन जाते हैं, वो एडवांस में आते हैं। जो ब्रह्मा को शरीर को याद करने वाले बन गए, ब्रह्मा की पालना लेते लेते ब्रह्मा की गोद में खेलते खेलते, तो देवदारी को याद करें तो देवान बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। तो उन दीदी दादी दादाओं का देवभान इतना बढ़ा हुआ है कि वो आत्मिक स्थिति धारण ही नहीं कर सके। परमात्मा से जो सन्मुख असली रूप में प्राप्ति करनी चाहिए वो नहीं कर सके, उनकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है। कितना तक ताला लगा हुआ है कि कोई कितना भी सुनाने की कोशिश करे वो एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते, सुनना ही नहीं चाहते, अपने फॉलोअर्स को भी नहीं सुनने देना चाहते। तो बाप कहते हैं जिनको मैंने सन्मुख सुनाया है वो ही राजयोग सीख करके राजपद पाते हैं, दूसरे कोई राजयोग न सीखते हैं और न राजपद पाते हैं। बाकी ये त्योहार आदि सब भक्ति मार्ग हैं। बीच बीच में जो त्योहार पड़ते हैं वर्ष में, ये कहां की यादगार? इस संगमी की यादगार है। दीपावली मनाते हैं जरूर, आत्मा के दीपक जगे हैं, आत्मा में रोशनी हुई है, जो अंधेरा छाया हुआ है वो नष्ट होता है, तो उसकी यादगार है दीपावली। उसमें एक बड़ा दीपक पहले जगाते हैं, वो कौन हुआ? प्रजापिता। उसका दीपक पहले जगता है, फिर उस दीपक से छोटे छोटे सभी दीपक जलाए दिए जाते। होली है,
ये विकारों की होली है, सारी विकारों की लकड़ियां उसमें स्वाहा हो जाती हैं, विकार भस्म हो जाते हैं। आत्मा रूपी प्रहलाद साबुत बचता है। मन जिन्होंने अपने को आत्म की स्थिति में धारण कर लिया, इस संसार में जब होलिका की आग लगेगी और विकारों की भी आग लगेगी तो वो बच्चे बचेंगे जो आत्म की स्थिति में स्थिर हुए होंगे, जिनका नाम दिया है शास्त्र में प्रहलाद। आह्लाद माना खुश होने वाले, प्रहलाद माना, प्रहलाद माना जिन्होंने प्रकट रूप से संसार को आह्लाद माने प्रसन्नता दी। जो आत्म की स्थिति में स्थिर होते हैं वो ही दूसरों को रूहानियत से प्रसन्नता देते हैं, जो देवान में स्थित होते हैं वो दूसरों को दुख देते हैं। तो संगम युग की सारी बातें हैं, भगवान जो वर्षा देकर के गए हैं उनकी महिमा गाई जाती है, क्योंकि भगवान की महिमा गाई जाती है, क्योंकि वो आकर के स्वर्ग रूपी सुख का वर्षा देकर के जाते हैं बच्चों को। स्वर्ग का वर्षा सिवाय परमात्मा बाप के और कोई मनुष्य मात्र नहीं दे सकता। बड़े 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 कितने भी महान आत्मा हुए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, विवेकानंद, महात्मा गांधी, कोई भी स्वर्ग का वर्षा राम राज्य नहीं दे सकते। बल गांधी जी गाते थे राम राज्य आएगा, राम राज्य लाएंगे, भारत में राम राज्य होगा, लेकिन राम राज्य की जगह और क्या हो गया, अभी और ही रावण राज्य हो गया। भले और ही ज्यादा रावण राज्य हो गया, लेकिन अब राम तो आ गए। जो राम आए हैं वो अपना राम मंदिर बना करके ही छोड़ेंगे। कोई मंदिर माना घर बनाता है तो अपने लिए बनाता है, दूसरों के लिए बनाता है, अपने बाल बच्चों के लिए बनाता है, दूसरों के लिए बनाता है, अपने बाल बच्चों के लिए बनाता है। तो राम आया हुआ है तो राम अपना मंदिर अपने आप बना लेगा, तो गाय के लिए लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा मारामारी करने से राम मंदिर बन जाएगा? अरे वो तो ईंटों का मंदिर बन जाएगा। जो असली राम मंदिर है, जिसको नाम अयोध्या है, जहाँ युद्ध लड़ाई झगड़ा मारामारी होती नहीं, ऐसे स्वर्ग की स्थापना तो स्वयं राम ही आकर के करते हैं। तो उनकी मेहनत आई जाती है। शिव बाबा आते हैं शिव जयंती के बाद कृष्ण जयंती होती, क्या पहले शिव जयंती, फिर कृष्ण जयंती, 76 में बाप का प्रत्यक्ष दिवस, रात के 12 बजे से सूर्योदय होना शुरू होता है। विदेशियों ने, जो ब्राह्मणों में विदेशी बच्चे थे उन्होंने बाप को प्रत्यक्ष किया, तो विदेशी बच्चों के लिए रात के 12 बजे से दिन शुरू होता है। और स्वदेशी बच्चे जब ज्ञान सूर्य उदित हो जाता है तब उनकी नई दिन की शुरुआत होती है। तो अब ज्ञान दिन सवेरा आने वाला है, ये पुरानी दुनिया अब भस्म होने वाली है, अभी अंत समय आ गया। अभी जो सोते रहेंगे उनको कुछ भी प्राप्ति होने वाली नहीं, क्या करना है? अभी अमृत वेला सुहाला जरूर बनाना है। धन कमाने में इतनी बुद्धि नहीं लगानी है जो असली प्राप्ति से वंचित हो जाए, क्योंकि धन कमाने में ज्यादा तन की शक्ति लगाएंगे तो तन थक जाएगा और अमृत वेला रह जाएगा। इसलिए बाबा बोलते हैं जिनकी धन कमाने में बुद्धि लगी हुई है उनकी किस्मत फूटी हुई समझो। बाबा तो गारंटी देते हैं मेरी सर्विस में लगे रहने वाले बच्चे भूख नहीं मर सकते, तो काहे के लिए हम दोनों जान से मारे जाए? हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू होना चाहिए। ओम शांति।